से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ रश्मि जी हैं जिनको की ACL की प्रॉब्लम हुई थी और इन्होंने यहाँ पर आकर अपोलो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया है। तो आइए जानते हैं कि इन्हें क्या दिक्कत आ रही थी, कैसे ये मेरे संपर्क में आए, इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रश्मि जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, मैं कोटा के रहने वाली हूँ। कोटा के रहने, आपको उस तरफ देखना पड़ेगा। आप कोटा के रहने वाले हो, आपको ये चोट कैसे लग गई थी पैर में? मेरी मदर का घर है यहाँ पे जयपुर में, तो मैं यहाँ आई हुई थी तो बाथरूम में मेरा पैर स्लिप हो गया, इस वजह से मुझे पेन हुआ। तो मैंने MRI कराने के लिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो मैंने अपना MRI करवाया। उसमें ACL का टीयर आया। आपको ACL के टूटने की वजह से क्या दिक्कत आती थी? सर, पैर मेरा बिल्कुल ऐसा लटक सा गया था, बिल्कुल भागने जंप करने बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली? सर, मैंने YouTube पे सर्च किया था और उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ और आपकी जो ACL सर्जरी में स्पेशलिटी देखी तो सर वहाँ से ही मुझे पता चला। और आपके कुछ पेशेंट से भी बात हुई थी? मेरे जी मेरी शिल्पी जी से और एक नीनू जी से उनसे बात हुई, उन्होंने आपके बारे में मुझे सुनीता जी से भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने उनकी सर्जरी अभी रिसेंटली हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरे भी अभी 7-8 दिन हुए हैं, आपको ये करा लेनी चाहिए आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आगे आपको मोबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपका जो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे आपके मन में भी डर था और लोगों के मन में भी डर रहता है कि पता नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन ये होता है और कितनी दिक्कत आएगी, तो आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस ऑपरेशन का, डर लगा आपको? सर, ऑपरेशन के पहले मुझे डर था लेकिन जब नवीन सर से मिले, इन्होंने इतना मोटिवेट किया और बताया कि इससे कुछ नहीं है, छोटी सी सर्जरी होती है, उसके बाद मरीज चलने लग जाता है, 2 दिन में ही हम घर भेज देते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैं रेडी हुई करवाने के लिए। आपने ऑपरेशन में देखा था जो मैंने आपका लिगामेंट बना के आपको दिखाया था? जी, सर ने मुझे पूरी सर्जरी अपने स्क्रीन पे दिखाई थी और बताते जा रहे थे कि आपका ये चीज़ खराब हुई है, इसको हम ऐसे बना रहे हैं और ये लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर इसके बिना तो आगे पॉसिबल ही नहीं होता। उसके बिना क्या होता है कि पैर में एक लचक सी रहती है और फिर कभी मान लो भगवान ना करे अपना पैर का बैलेंस नहीं बन पाया और गिर गए, तो अभी तो जैसे आपके मेनिस्कस को कोई डैमेज नहीं हुआ था लेकिन आगे जाके आपकी एज भी कम है, 38 की एज है, तो ऐसे में आगे जाके कोई दिक्कत हो, फिर नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े, वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब ये बताइए कि अगर कोई लोग है जिनको की ACL की प्रॉब्लम है तो आप उनको क्या रिकमेंडेशन दोगे? ACL की प्रॉब्लम है अगर किसी को और वो बहुत दिनों से सफ़र कर रहा है कि भाई मैं सोच रहा है कि अपने आप ठीक हो जाएगा या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मैं लाइफ ऐसे ही निकाल लूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपनी 50% लाइफ को ऐसे ही निकाल लें, लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जी और मैंने एक बात नोटिस की अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस में कि जैसे पेशेंट को ACL की चोट हो जाती है तो ये उसके नेचर पे प्रभाव डालती है, जैसे उसको बाहर जाने का, कोई एडवेंचर काम करने का, ये सब उसके मन ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानते हैं कि अगर आप जाओगे कहीं बाहर तो गिर सकते हो, तो पेशेंट खुद ही घर में TV देखने लग जाएगा, उसके आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर लाइफ जो है काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, हम आपको बधाई देते हैं उस चीज़ के लिए और पूरी उम्मीद करते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप पे पूरी हेल्प और एक्सरसाइज बताते रहेंगे और आप 100% रिकवर हो जाओगे। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक।